अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो फिर से मैं मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मौसम ऐसा होता है ना, तो ऐसा लगता है कि यहीं से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ और सुबह सुबह मैं अपने यहाँ का जो है मौसम दिखा दूँ। तो कल से ज़्यादा आज मौसम ख़राब हो रहा है। और आज एक और चीज़ हो गई है, क्या हो गई है बताओ, बारिश। तो आज हमारे यहाँ हो गई अब बारिश। और हाँ, कल मैंने कपड़े धोए थे तो मेरे कपड़े डले हुए थे, लेकिन थोड़े से डले हुए थे, तो बस अभी मैं दिखाऊंगी। और बस मैं छत पर आई हूँ देखने के लिए कैसा मौसम हो रहा है। ये देखिए, हाँ, मौसम ने गजब कर दिया। मुश्किल है आज धूप निकले, है ना, आज नहीं निकलेगी ना, क्योंकि आज बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है और कोहरा भी हो रहा है, कल से ज़्यादा है ना कोहरा। ये देख लीजिए, हमारे पास से मैंने जूम कर लिया है, कैसा लग रहा है, बिल्कुल पास से बना रही हूँ वीडियो जैसे। ठंडी हवाएं इधर चलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं ये सुबह सुबह आपको अपने शहर का बताती हूँ मौसम नज़ारा, तो आपको कैसा लगता है। मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं आ जाती हूँ यहाँ से अपना ब्लॉग स्टार्ट करने। बारिश की जो है ना छोटी छोटी बूंदें है ना चेहरे पे लग रही है, इतना अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए मैं नीचे बताती हूँ आपको। तो अभी मैंने सारा सामान रखा है अंदर, क्योंकि छत पे सारा सामान बिखरा हुआ था, जैसे कि बच्चे सारे खेल के गए थे तो सारी चीज़ें यहीं पड़ी हुई थी। वो अच्छा है, गद्दा अंदर की साइड बिछा कर वो खेल रहे थे, कुर्सियाँ वगैरह सारी चीज़ें, मतलब पूरी छत भर रही थी। और ये वाले कपड़े जो है ना यहाँ पड़े हुए थे तो गीले हुए हैं, तो मैंने यहाँ के हटा के नीचे रखे आई हूँ और ये डाल दिए हैं। तो चलो, थोड़े से ही कपड़े गीले हुए हैं, तो बस अभी सारा सामान मैंने अंदर रख दिया है और ये बर्तन ले जाऊंगी, क्योंकि ये कल के ही यहाँ पर रखे हुए हैं। तो चलिए, अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो बस अभी टाइम हो गया है नाश्ते का, तो अभी नाश्ता बनाने आई हूँ। बच्चे अभी नहीं उठे हैं, थोड़े थोड़े से उठ रहे हैं, उठ जाएंगे, अब तक मैं नाश्ता बना कर ले जाऊँगी। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ अंडा ब्रेड। और काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि आप जो है ना नाश्ते में इडली डोसा ये चीज़ें भी बना दिया करो कभी, तो हमारे पसंद ही नहीं करते, मैं क्या करूँ, जब चीज़ें कोई पसंद करे तभी तो बनाए। बस ये तीन चार चीज़ें हैं गिनी चुनी जो ही खाते हैं, तो बस इसीलिए आप जो चीज़ खाएंगे नहीं तो बनाने का फ़ायदा। डोसा पसंद करते हैं तो डोसा शाम के टाइम पर मार्केट का पसंद करते हैं, घर का कई बार बताया है ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए। तो बस अभी बना लेते हैं। तो मौसम ठंडा हो रहा है और बढ़िया सी चाय बनाएंगे अदरक की, अंडा ब्रेड के साथ खाएंगे। मैं नहीं खाऊंगी अंडा ब्रेड, मैं खाली अपने लिए ब्रेड सेकूँगी, मेरे साथ ऐसे ही होता है। पराठा अंडा बने तो पराठा मिलता है, ब्रेड अंडा बने तो ब्रेड मिलती है, क्या करें, मजबूरी है, नहीं खा पाते हैं, जलन मस्ती है, पेट में दर्द होगा, क्या फ़ायदा, भी खा लेंगी तो फिर सारा दिन पेट लेके बैठे रहो, इसलिए अपने दिन को ख़राब नहीं करना है, अच्छा सा नाश्ता कर लो जिससे पेट ख़राब भी ना हो और मन भी भर जाए ना। चलिए बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे ये बन गया है अंडा ब्रेड आलिया का, दो इनके लिए बना दिया और एक आलिया का बना दिया, तो इसमें सिर्फ प्याज और जो है धनिया डाला है। तो बस ये बन गया है, मैं अपने लिए ब्रेड सेक लूँगी और बस चाय बन रही है
और आज जो है ना मुझसे एक गलती हो गई जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं हमेशा वैसे हाथ साथ कर काम करती हूँ, लेकिन आज मुझसे इनके अंडा ब्रेड में नमक तेज हो गया और इसी बात पे आज इन्होंने मुझे जो है सुबह सुबह डांट दी। वैसे ऐसा कभी मौका नहीं पड़ता है, लेकिन अगर इनके खाने में नमक तेज हो जाता तो इनको गुस्सा आ जाता है। तो आज बस मेरा दिन जो है ना बहुत ज़्यादा बेकार गया था, और फिर देखिए इन्होंने क्या किया वो आपको आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे जो सोहर है ना, मतलब मैं बस क्या बोलूँ उनके लिए, कुछ शब्द नहीं है उनकी तारीफ़ के लिए। क्योंकि अगर मैं गुस्सा हो जाती हूँ ना तो क्योंकि सुबह सुबह अगर मुझे कोई डांट दे या सुबह सुबह कोई कड़क आवाज़ में बोल देना तो बस मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और फिर बस मैं बोल चाल बंद कर देती हूँ। तो यहाँ देख लीजिए ये मुझे लेकर आए कहाँ पर, तो ये लेकर आए मुझे मेले, वैसे लेकर गए थे क्योंकि मैम का फ़ोन आया था कि आपसे बात करनी है, तो मैं इनसे बात नहीं कर रही थी क्योंकि मैं गुस्से में थी, और जब मुझे गुस्सा आता ना तो बहुत देर में मेरा जो है मूड सही होता है। तो फिर जब मैम का फ़ोन आया तो ये कहने लगे कि तुम तो बोलोगी नहीं, चलो मैम बुला रही है, मैम के पास तो जाना पड़ेगा ना, मुझसे मत बोलो, लेकिन बाइक तो चाहिए ना तुम्हें। तो मैंने कहा हाँ, तो मैं कब पैदल जाऊँगी, मैंने ऐसे करके बोला। और फिर ये मुझे मैम के यहाँ पर ले गए, और फिर मैम के यहाँ से जो है ना मुझे यहाँ लेकर आया। मैंने कहा कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे कहीं नहीं जाना, घर चलो लेकर। अब बाइक तो ये चला रहा है इनके कंट्रोल में, तो ये जहाँ ले जाएंगे तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो फिर ये यहाँ पर लेकर आ गए, तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा अच्छा, ये सही तरीका है मनाने का। तो कहने लगे कि तुम्हें शौक है ना मेले वगैरह का और मार्केट का, लेडीज़ों को क्या है ये, मतलब इन्होंने इस तरीके से जवाब दिया कि लेडीज़ों को तो अगर गुस्सा आए तो उनको शॉपिंग करा दो, गुस्सा ख़त्म। तो बस यही टेक्निक मैं आजमाता हूँ। तो मैंने कहा हाँ सही है, तुमने मेरी यही नब्ज़ पकड़ ली है कि बस इनको शॉपिंग करा दो तो सब ठीक है। तो यहाँ देख भी रहे होंगे कि मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिन कपड़ों में थी घर पर, मैं उन्हीं कपड़ों में मैम से, मैंने कि मैम से ही तो बात करनी है, तो मैं बस आ गई थी। और आज मौसम ठंडा था तो मैं इसलिए शॉल डाल ली थी सिर्फ। और तो बस यहाँ मेले आ गए हम लोग और बस बच्चों को झुला रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये मेला वेला क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ है इसलिए, वैसे ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट मेला है तो इतनी भीड़ नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें रहती हैं थोड़ी महंगी रहती हैं। जैसे कि ये झूला वगैरह है, इसका किराया 30 रुपये रहता है शायद, मुझे याद नहीं, क्योंकि पेमेंट तो यही करते हैं। तो मैं तो बस बच्चों में रहती हूँ, तो बच्चों को बस बिठाना, उनसे बातें करना यही रहता है मेरा, तो टिकट विकेट तो यही देते हैं। तो बस यहाँ बच्चे झूल रहे हैं, बच्चों की एंजॉय हो गया मुझे मनाया कि मेला ले जा रहा हूँ और बच्चों को खेलने को मिल गया। पर ये भी है, माँ बाप की खुशी तो बच्चों की खुशी में है। तो बस यहाँ पे ये देख लीजिए, बच्चों को लगातार झूले मिलते जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये जंपिंग में आ गए हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मिक्की माउस आलिया को और इनाया को भी। तो बस यहीं पर कूद रहे हैं, और आलिया से मैं बोल रही हूँ कि ऊपर चढ़ो, क्योंकि आलिया को डर लगता है, वो नहीं चढ़ती है, ऊंचाई से उसको डर लगता है। तो ये देख लीजिए वहीं से फिसल के आ गई हैं वापस, क्योंकि ऊपर जाने में इनको डर लग रहा था, लेकिन एक बार मेरे फोर्स करने से ये चढ़ गई थी, फिर ऊपर से इसको डर लग रहा था आने में। ये देख लीजिए बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैंने इसको पकड़ लिया, फिर कोई था भी नहीं ना इसलिए, क्योंकि ऊपर जाके बहुत ज़्यादा ऊंचाई हो रही थी और सुनसान सी भी लग रही थी, तो इसलिए। तो बस अभी अब मेले आए और बच्चों को खिलौने ना दिलाएं तो ये हो ही नहीं सकता है। तो बस यहाँ से बच्चे देख रहे हैं टॉयस, और इनाया का ये था कि एक को उठा रही थी दूसरे को रख रही थी, तो वो ऐसे कर रही थी, और मैं सोच रही थी कि इनको ये पसंद आ रहा है तो ये ले लें, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा देखा और फिर उसको वापस रख दे रही, फिर दूसरा उठा ले रही, तो वो ऐसे कर रही थी, और मैं सोच रही थी कि कुछ ले ले ये अच्छा सा। तो यहाँ ये मैं पूछ रही थी, लेकिन इसमें क्या है, छोटी छोटी गोलियाँ थी, तो इनाया की वजह से मैं नहीं लेती हूँ जिस चीज़ में अगर छोटी छोटी गोलियाँ टाइप रहती हैं, क्योंकि ये जो है ना नाक में डालने की इसकी आदत है, तो इसलिए मैं इससे हर छोटी छोटी चीज़ जो है ना छुपा कर रखती हूँ। ज़्यादातर इसके टॉयस में ऐसी चीज़ लेती ही नहीं हूँ जिनमें छोटी छोटी गोलियाँ वगैरह आए, क्योंकि इसको जो है ना नाक में डाल लेती है। एक बार तो इसने किशमिश डाल ली थी, क्योंकि इसको किशमिश खाने का शौक है, तो मैं इसको किशमिश दे देती हूँ, लेकिन इसने टीवी देखते देखते ना नाक में किशमिश डाल ली, और मैं इतना डर गई ना उस टाइम पर बहुत ज़्यादा। तो बस अभी जो है बच्चों को टॉयस वगैरह दिला दिए, तो मुझे यहाँ से चूड़ियाँ दिख गई, तो बस मैं ये चूड़ियाँ दिख रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ तो पसंद नहीं आया, लेकिन ये वाली जो है ब्लू कलर की, ये मैंने ले ली चूड़ियाँ।
अच्छी लग रही थी, धागे का काम हो रहा था और धागे काम वाली जो है चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने ये वाली ले ली थी। और बस यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे ये हर माल का सामान है, तो मैंने जो है यहाँ से आलिया के लिए सामान लिया है। मैंने अपने लिए तो सिर्फ दो क्लेजर ही लिए और बाकी की सारी चीज़ें जो है ना आलिया की ही रही। और मेलों में जो है ना चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं और अच्छी लगती हैं, तो बस यहाँ देख लीजिए अभी खिलौने से मन नहीं भरा, क्योंकि इनने एक ही टॉयस लिया था तो मैंने कहा घर जाके ये लड़े ना तो एक आध और ले लें। तो बस यहाँ देख लीजिए ये देख रही हैं बंदूक वगैरह, और बच्चे जो है ना बच्चों को देखकर जो है ना अपना बचपन याद आ जाता है कि हम भी जब छोटे थे तो मेले जाते थे तो मम्मी हमें किस तरीके से मेले में घुमाती थी और हमें टॉयस दिलाती थी। हम जो है ना बहन भाइयों को मम्मी एक एक टॉयस दिलाती थी, बोलती थी एक एक टॉयस ले लो, कोई सा भी ले लो, जो भी तुम्हें पसंद आए, तो हम सब बोल लेते थे। फिर आलू टिक्की खाते थे और पिंट खजूर ज़रूर लेती थी मम्मी, क्योंकि सर्दियों में आता था हमारा मेला, और पिंट खजूर लेके और फिर झूला झूलते थे हम दो तीन, तो मम्मी बोलती थी दो तीन झूले झूलो जो तुम्हें झूलना है। तो इस तरीके से मम्मी हम बच्चों को मैनेज करती थी तो मम्मी जो है ना मतलब हर बच्चे को बराबर उससे ही जो है सारी चीज़ें दिलाती थी। और आप देख भी रहे होंगे कि आलिया बैग टांगे हैं क्योंकि उसको कोचिंग से ही लेकर आए हैं। तो बस यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने ये लिया है आलिया ने, और अपना कैप जो है उठा दिया है और इन्होंने ये ले लिया है। तो बस अभी हम लोग खा रहे हैं सॉफ्टी, क्योंकि अगर मेले आए और सॉफ्टी ना खाएं तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेलों की जो सॉफ्टी रहती है ना वो बहुत अच्छी लगती है, और हमारे यहाँ पर सॉफ्टी सिर्फ मेलों में ही मिलती है, वैसे हमें नहीं मिलती है। तो इसलिए जो है ना हमने यहाँ से सॉफ्टी खाई है और आलिया आया हम सब ने ही सॉफ्टी खाई, और आप देख भी सकते हो बच्चे कैसे खुश हो रहे हैं, ये देखिए नाया की तो बस बात ही नहीं है। और मैं यहाँ कुछ बोल रही थी कि मुझे याद नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ, तो बस अभी सॉफ्टी खा लेते हैं और फिर चलते हैं घर। लेकिन हम घर नहीं गए थे, ये अभी इनका मन पूरा नहीं हुआ था तो ये हमें लेकर आ गए थे प्रेम स्वीट्स पर, जहाँ पर जो है हम लोग काफ़ी टाइम से आते रहे हैं, मतलब मेरी शादी हुई जब से ही हम यहीं पर आते हैं। तो यहाँ पे हमने डोसा वगैरह खाया, पानी टिक्की पी, और जो है गुलाब जामुन खाए जो अनाया खा रही थी, और आलिया यहाँ पे डोसा खा रही है क्योंकि आलिया को डोसा पसंद है इसलिए। और डोसा जो है बाज़ार का अच्छा लगता है इनको, और शाम के टाइम पर सुबह नहीं खाते हैं, तो इसलिए हम लोग नाश्ते वगैरह में नहीं बनाते हैं। तो बस आज तो मतलब हस्बैंड अगर हो तो ऐसे हो, अगर हमें हमसे तेज़ आवाज़ में बोल भी जाए, हमको डांट भी दे, तो फिर हमें बना भी ले। तो इस तरीके से जब बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि चलो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं कि मेरे नसीब में इतने अच्छे सोहर लिखे, मुझे मेरी लाइफ को जो है इतना अच्छा बनाने के लिए। क्योंकि जब हमारा लाइफ पार्टनर अच्छा होता है ना तो हमारी पूरी लाइफ अच्छी हो जाती है, अगर हमारे लाइफ पार्टनर अच्छा ना हो ना तो फिर बस समझ लीजिए कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो बस यही मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हर लड़की को ऐसा लाइफ पार्टनर दे जो उसको समझे और एक बार को डांटे लेकिन उसको मना भी ले। तो मेरी गलती थी, उन्होंने मुझे डांट दिया तो मैं गुस्सा हो गई, क्योंकि मेरी आदत है बचपन से मैं मुझसे अगर कोई मतलब तेज़ आवाज़ में बोल देता और अगर सुबह के टाइम बोलते तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन कोई नहीं इन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से मनाया तो मैं खुश हो गई बाद में। और जो जो चीज़ें मुझे पसंद थी वो चीज़ें इन्होंने मुझे जो है खिलाई, मतलब पानी टिक्की तो मेरा फेवरेट है, तो बस इसलिए। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।